अभी हम छज्जे पे हैं और इस एसी को चेक कर लिए हैं। एम्पियर 60, 70, 50 ऐसे करके ले रहा है। नया कैपेसिटर भी लगा के देखें, सेम प्रॉब्लम है। कंप्रेसर जो इनका ख़राब हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी हमारे पास एक कंप्लेन आया है राजेंद्र नगर का। वहाँ हिटाची का स्प्लिट एसी है, यही लगभग एक 1.5 साल पुराना एसी है और कह रहे हैं कि उनमें कूलिंग का जो है प्रॉब्लम है, कूलिंग कम कर रहा है। तो वहीं अभी जाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें। तो अभी हम कस्टमर के यहाँ हैं और यही वो एसी है। ये हिटाची का 5-स्टार इन्वर्टर एसी है। और मैम कह रही है कि हम हॉट एंड कूल बोल के मांगे थे और ये सिर्फ कूल वाला दे दिया हमको। आउटडोर जो यहाँ इसके रेलिंग पर लगा है, ये खिड़की टाइप का बनाए रखे हैं लोहा का, और उन्हीं पर ये एसी जो है रखा हुआ है। अभी हम एसी चला दिए हैं और एम्पियर मीटर जो है लगा रखे हैं। एम्पियर तो एसी उतना ही ले रहा है जितना इस पर मेंशन है, 6.65 ऐसे करके ले रहा है, लेकिन चिलनेस नहीं है। ठंडा जो हो रहा है वो उस तरह का ठंडा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। 410 नंबर गैस है इसमें। तो हम गेज मीटर लगा के देख लेते हैं गैस पे क्या पोजीशन है। गैस का जो रनिंग प्रेशर है वो इस पे 100 दिखा रहा है, लेकिन मेरा मीटर जो है 10-15 पॉइंट जो ऊपर है, आगे है, तो ये लगभग 80-85 चल रहा है रनिंग प्रेशर। गैस जो इसमें कम, जब से ये एसी इंस्टॉल हुआ तब से जो है चला नहीं है, बस ये पिछले 1-2 महीने से चल रहा है। तो मैम को बस यही एक्सपीरियंस हुआ कि एसी जो है उतना कूलिंग नहीं कर रहा है। लीकेज वैसे हमको कहीं दिखा नहीं, हल्का सस्पिशन हमको आउटडोर के ही वॉल्व के पास से है, तो वहाँ से हम झाग बना लिए हैं, चेक कर लेते हैं। लीकेज जो है सक्शन पाइप के पास से एकदम माइनर सा हमको दिखा है, तो उनको अब सही करने के लिए इसमें जो गैस है पहले हम इसको उड़ा देते हैं, क्योंकि कस्टमर बोले हैं कि हाँ दूसरा नया गैस डाल दीजिए इसमें। सारा गैस उड़ा करके फिर उनको सही करके हम वैक्यूम पे लगा के चले जाएंगे हम गैस लेने के लिए, क्योंकि गैस हम लाए नहीं हैं साथ में। तो अभी हम एसी को जो वैक्यूम पे लगा के, एक आदमी वहाँ पे है मेरा और हम अकेले चले आए हैं गैस लेने के लिए। यहीं कंकरबाग में ही ये स्टोर है, यहाँ से हम गैस लेके जाएंगे जब तक मैं वहाँ वैक्यूम हो जाएगा। तो अभी हम गैस लेके जो आ गए हैं फिर से रिटर्न, अब इसमें गैस डालने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो गैस फिलिंग जो हो गया है और अब चिलनेस जो है बढ़ गया इनका। पहले सिर्फ जैसे लग रहा था कूलर चल रहा है उस टाइप का चल रहा था, अब चिलनेस जो है बढ़ गया एसी का। तो अभी हम दूसरे कंप्लेन पर आ गए हैं, पटना सिटी। यहाँ भी सेम इशू है कूलिंग का, और कस्टमर का कंप्लेन है कि जब एसी चलता है तो पूरा लाइट जो है डाउन कर देता है पूरे घर का, रूम का। ये एलजी का नॉन इन्वर्टर एसी है और ये लगभग वही 10-12 साल पुराना होगा। एसी को ऑन करके जो है हम इनमें क्लैंप मीटर लगा दिए हैं, और ये क्या, ये तो कैपेसिटी से ज़्यादा ही ले रहा है। ओ 50-56 एम्पियर ले रहा है और कंप्रेसर जो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है।
आ गए हम अब आउटडोर को देखने, क्योंकि आउटडोर इनके छज्जे पर छज्जा पूरा जर्जर है, हर तरफ खपड़े खपड़ा है। किसी तरह हम छज्जे पे जो है चढ़ गए। इसमें ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 56 का है इसमें, और मेरे पास जो है एक है 40 का कैपेसिटर, वो लगा करके बाद देख लेते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं कंप्रेसर। नया कैपेसिटर जो है लगा दिए हैं, फिर से हम स्टार्ट करके इनको देखेंगे। तो फिर भी देख रहे हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, 60-65 बढ़ गया। अभी हम छज्जे पे हैं और इस एसी को चेक कर लिए, एम्पियर 60, 70, 50 ऐसे करके ले रहा है। नया कैपेसिटर भी लगा के देखें, सेम प्रॉब्लम है, कंप्रेसर जो इनका ख़राब हो गया है।